इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे एक कच्चा आलू लेंगे। आलू को पहले छील लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का कच्चे आलू का इस्तेमाल करा। अगर आप छोटे कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दो कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू को छीलने के बाद इसे ग्रेट कर लेंगे। आप पतले वाले या फिर मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। आलू को ग्रेट करने के बाद इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं लाइक करें। यहाँ पे लेंगे कढ़ाई, इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। तेल यहाँ पे गर्म हो गया, इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच सफेद वाले तेल। इनसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा नाश्ते में। इसे एक बार चला दें और तीनों चीजों को यहाँ पे भून लेंगे। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। हींग से भी अच्छा सा टेस्ट आएगा नाश्ते में। यहाँ पर तीनों चीजें भून गई हैं। इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसको भी चला दें। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इसको भी चला दें। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इनको भी यहाँ पे चला दिया है। इसमें डालेंगे 1 कप पानी, इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाले से नाश्ते में अच्छा सा टेस्ट आएगा, इसे जरूर ला लें। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसे भी यहाँ पे चला दिया है। अब इसमें डालते हैं आलू के लच्छे को। पानी में से निकालते हुए आलू के लच्छे को डालेंगे। इसे एक बार चला दें और इसे 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि आलू के लच्छे सॉफ्ट हो जाएं और इसकी गैस लो टू मीडियम रखें। 2 मिनट हो गए हैं और आलू के लच्छे भी यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे एक बार चला दें। अब इसमें डाल देंगे 1/2 कप सूजी। सूजी यहाँ पे बारीक इस्तेमाल करनी है और इसको भी चला दें। अगर आपके पास सूजी मोटी है तो इसे मिक्सी ग्लास में डाल के बाद चला लें, क्योंकि हमें यहाँ पे बारीक सूजी का इस्तेमाल करना है। ध्यान देने वाली बात, जितनी सूजी लेनी है उसका डबल हमें पानी डालना है और इसे चलाते हुए डो फॉर्म में ले आएंगे। ये बहुत ही जल्दी डो फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है। और देखिए, सूजी को डालते ही सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। अगर आपके पास धनिया की पत्ती ना हो तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं और इसे धनिया की पत्ती को यहाँ पे चला देंगे। बस इसे 1 मिनट तक और पकाएंगे। सूजी यहाँ पे डो फॉर्म में आ गई है तो इस टाइम पे इसकी गैस कर देंगे बंद। अब सूजी के डो को किसी प्लेट में या फिर आप बाउल में निकाल के ठंडा कर लें। अब सूजी के डो को प्लेट में निकाल देते हैं। सूजी के डो को प्लेट में निकालने के बाद इसे कुछ देर के लिए इसी तरह रख देंगे। सूजी का डो यहाँ पे ठंडा हो जाए। डो भी यहाँ पे ठंडा हो गया। अब इसे 1 मिनट के लिए मसल लेते हैं। इसको यहाँ पे चिकना कर लेंगे। सूजी के डो को भी यहाँ पे चिकना कर लिया है। अब हाथों पे हल्का सॉइल लगा लेंगे, हाथों को ग्रीस कर लेंगे। इसमें से लेंगे थोड़ा सा पोषण, जितना छोटा नींबू का साइज होता है इतना बड़ा। पहले इसको गोल करेंगे, इसको यहाँ पे गोल कर दिया। आप इसे एक बार रोल कर देंगे। मैं इसको यहाँ पे सिलेंडर का शेप दे रही हूँ। आप जैसे गोल भी रख सकते हैं या फिर आप टिक्की की शेप भी दे सकते हैं। जैसे भी आपको नाश्ते की शेप चाहिए आप इस नाश्ते की ऐसे इस तरह से शेप रख सकते हैं। रोल करने के बाद इसे एक बार साइड में स्टिक करें, एक बार फिर से रोल कर दें और देखिए नाश्ते पे आ गई शेप। कितना ज्यादा मजेदार लग रहा है नाश्ता। अब इसको प्लेट में रख देंगे और अब दूसरा बनाते हैं। पहले लेंगे इसमें थोड़ा सा पोषण, जितना छोटा नींबू का साइज होता है। पहले इसको गोल करेंगे। गोल करने के बाद इसे एक बार इस तरह से रोल कर दें। रोल करने के बाद एक बार साइड में इस तरह से ठीक करें और एक बार फिर से रोल कर दें। इस पे भी आ गई शेप, देखिए कितना ज्यादा मजेदार लग रहा है। इस तरह हम सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेते हैं। सारे नाश्ते को यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। चलिए फिर अब नाश्ते को सेक लेते हैं। तेल यहाँ पे मैंने पहले गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म होती है अपने नाश्ते को डाल देंगे। एक बार में जितना नाश्ता आ जाए उतने को डाल देंगे और इसकी गैस मीडियम टू हाई रखें। अभी मैंने यहाँ पे आते नाश्ते को ही डाले। इसे 2 मिनट तक इसी तरह सेकने दें। इस नाश्ते को सीखने में बहुत ही कम टाइम लगेगा क्योंकि हमारे सूजी और आलू तो पहले ही पके हुए हैं। लेकिन मुझे इस नाश्ते की रेसिपी को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि मुझे आप सभी के साथ इस नाश्ते की रेसिपी को शेयर करना था। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं लाइक करें और अपना सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर करें। जब लगे थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है नाश्ते को पलट देंगे और आपको नाश्ता बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। नाश्ता ना ही टूटेगा ना ही फटेगा। जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से बनाइए, आपका नाश्ता एकदम परफेक्ट बनेगा। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और फ्रेंड्स अपना सपोर्ट मेरे साथ जरूर जरूर बनाए रखें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर करें। मैं अपने चैनल पर बहुत सारी नाश्ते की रेसिपी डाली है, उन्हें एक बार जरूर चेक करें। फ्रेंड्स, अगर आपको नई नाश्ते की रेसिपी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मैं उस नाश्ते की रेसिपी को जरूर डालने की कोशिश करूंगी, जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगी। और देखिए बहुत सारी हो गई बातें और नाश्ते का भी यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। नाश्ते पे देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो अब नाश्ते को निकाल लेते हैं। बाकी नाश्ते को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। ये हमारा सूजी और आलू का बहुत ही टेस्टी मजेदार सा नाश्ता बनके हो गया तैयार। फ्रेंड्स, देखिए नाश्ता कितना ज्यादा जबरदस्त मजेदार लग रहा है। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की रेसिपी अच्छी लगी हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं लाइक करें और देखिए नाश्ता कितना ज्यादा जबरदस्त मजेदार लग रहा है और नाश्ता बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी भी है। ये देखिए आप इसकी आवाज सुनिए कितनी ज्यादा क्रिस्पी आ रही है और देखिए नाश्ता अंदर से भी कितना ज्यादा मजेदार टेस्टी लग रहा है। आप इस नाश्ते को हरी चटनी या फिर सॉस के साथ भी खा सकते हैं। चलिए फिर एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं और ध्यान रखें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।